सबसे पहले अगर आप मिनिस्ट्री में नहीं हैं, आपके लिए सबसे बड़ी टेस्ट ये होगी कि आप अपने दिल को प्योर रखना सीखें। मैं उसको हमेशा कहता हूं, नो बी ए सर्वेंट। प्रभु की मर्जी होगी, जो उसकी मर्जी होगी वो तुझे बनाएगा। क्या मैं इसराइलियों को रोज अलग अलग खाना देता था? मैंने कहा नहीं, मैंने हर दिन एक ही खाना देता, मन्ना सेम, लेकिन हर दिन फ्रेश था। जब दाऊद को परमेश्वर चुनता है तो कहता है, देखो मैंने एक बेटे को देखा है ईशे के, जो मेरे दिल के अनुसार है। हालेलुया। ऊपर से ज्यादा ठीक था कि यहाँ से जी सुन ऊपर ठीक था, पीछे वाले काम करता हूं, आधा ऊपर रख देता हूं। चलिए पास वाले को अच्छी सी स्माइल दीजिए, बहन बहनों को, भाई भाइयों को। दे दिया आपने? ओके, बहुत लोग खड़े हैं, जल्दी से बैठ जाइए ताकि हम शुरू कर पाए। ध्यान दीजिए, ऊपर करो। ओके, सुनिए, कोई भी व्यक्ति सेवकाई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। आपको सेवकाई के लिए बुलाहट होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको कि आपको खुदा ने बुलाया है कि नहीं? 2012 में एक पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाओ। मैंने उनकी बात का आदर किया, लेकिन मैं जब घर आया मैंने प्रभु से पूछा, ये भाई साहब कहते हैं काम छोड़ने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए। जानते हो खुदा ने मुझे क्या कहा? नहीं, काम करो। मैंने कहा, प्रभु वो बंदे ने तो कहा कि प्रभु मुझे कह रहा है। प्रभु ने कहा वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके कह रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को जब अच्छा नॉलेज आएगा, अच्छी आवाज होगी, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आएंगे, बहुत लोग आपको कहेंगे आप सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि सी के बी शब्दों को खुदा के पास ले जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेवा प्रभु के कहने पर शुरू नहीं की है। इसीलिए आज देखिए, आज वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है घर। आपको, आप मुझे बताइए, परमेश्वर आपको बुलाएगा, खाना नहीं दे, कपड़े नहीं दे। कंपनी हमारा मेडिक्लेम भरती है, कंपनी हमारे परिवार के लिए चीजों को सोचती रहती है, स्वर्ग कुछ नहीं करेगा। अंकल दिनकरन, जब परमेश्वर ने कहा तू फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ, अंकल दिनकरन ने प्रभु को बोला मैं नहीं आने वाला। बोला क्यों? बोला मैंने तेरे दासों को देखा है, उनके पास खाने के लिए नहीं। प्रभु ने उनको कहा मैंने उसको कभी नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती मेरे शोल्डर पे आके बैठ गए। जबरदस्ती कुछ लोग उसके कंधे पे आके बैठ जाते। भैया याद रखिए, बुलाहट इब्राहिम की थी, दूध की नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने, जब तक उसके साथ लूत था उसे रास्ते नहीं दिख रहे थे, लूत अलग हुआ, रास्ते दिख गए। So many times यीशु ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। उद्धार के लिए हर एक को बुलाया गया है, सेवा के लिए कुछ को चुना जाता है। सल्वेशन के लिए सब बुलाए गए हैं, उद्धार के लिए सब बुलाए गए हैं, लेकिन सेवकाई के लिए आपको मैं बताऊं, टीचिंग की गिफ्ट लाखों में एक को मिलती है। आजकल एनी बडी डोमिनेटेड है, आजकल हर कोई सेवा करना चाहता है। क्या बुलाहट है? क्या खुदा ने बुलाया है? इसीलिए देखिए बहुत सारी सेवकाइयों के अंदर आपको बचकानी हरकतें मिलेंगी। सबसे पहले मिनिस्ट्री के लिए आप बिलीव करेंगे, मैंने कम से कम 5 बार कंफर्म किया प्रभु से। 2018 में फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया, 4 साल हुए, मुझे कोई बड़ा अनुभव नहीं है। इससे पहले मैं एक एवेंजलिस्ट था, मैं जगह जगह जाके गॉस्पेल शेयर करता था, ट्रैक्स बांटता था रास्ते पे खड़े होकर। मुझे कभी स्टेज की चाह ही नहीं थी, मुझे लगता था प्रभु का काम करना है, ऐसे भी करेंगे अपन। इससे पहले कि परमेश्वर मुझे टीचिंग की अच्छे से गिफ्ट दे, उससे पहले उसने मुझे गॉस्पेल बताने के लिए कहा था। मैं आज भी गॉस्पेल बताता हूँ, लोग जब मुझे मिलते हैं मैं कोई नहीं शर्माता। टैक्सी वाले को खुदा के लिए बताता हूँ, वो केला खड़े होके खाऊंगा उसको भी बताता हूँ, काका यीशु को पहचानते हो क्या? गॉस्पेल तो हर एक को बताना है। आपको सुसमाचार बताने के लिए किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। पौलुस कहता है जब परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार के लिए बुलाया तब मैंने मांस और लहू से कोई सलाह नहीं। लेकिन जब बात आती है यहां की, उस वेदी पर खड़े होने की, कुछ काम आप सबके लिए, आप सब आराधना कर सकते हो। इसी ने कहा मेरी वर्षिप की बुलाहट है, 10वां वरदान भी आ गया। पवित्र आत्मा ने 9 बनाए हैं, इन्होंने एक और बना दिया। वर्शिप हर कोई कर सकता है। कुछ की आवाज अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छे से यूज की जा सकती है। हर कोई वर्शिपर है, बोलिए मैं आराधक हूं। हाँ, प्रभु ने कहा, सामरी स्त्री कह रही थी वो जो पहाड़ है वहां आराधना की जाती है। यहूदी कहते थे नहीं, आराधना यरूशलेम में होनी चाहिए। यीशु ने कहा आज मुद्दा ही खत्म कर देता हूं, अब तुम्हें यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा, अब आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप आत्मा और सच्चाई से करो, खुदा खुद आपके पास आएगा। सबसे पहले आपके पास मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट होनी चाहिए। जानते हो कैसे पता चलता है कि मुझे बुलाहट? परमेश्वर आपको बोझ देगा, बर्डन देगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो जीसस को नहीं मानता, आप उसको समझा चुके हो और वो नहीं मानता, आप उसके लिए ये कभी नहीं कह सकते हो जाए तो जाए नरक में, इतना समझाया। ये शब्द दर्शाते हैं तो मैं सेवा के लिए बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि जब आपको सेवकाई के लिए बुलाया जाएगा तो आपको खोई हुई आत्माओं के प्रति क्रोध नहीं, तरस होगा। आप किसी भी व्यक्ति को जो प्रभु में नहीं है उसे देखकर आपको रोना आएगा। इसे लूत के लिए लिखा गया है, वो अपने सच्चे मन में पीड़ित हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप किसी नॉन क्रिश्चियन को देखते हैं जिसे अभी तक उद्धार नहीं पाया है, भले ही आप उसे प्रभु के बारे में बता चुके हो, क्या आपको उसको देखकर सब पर कुछ भी हो जाए, कोई गला भी काट के जाए, आपका नफरत नहीं करना? परमेश्वर कभी किसी को उसके ज्ञान को देखकर कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर हर एक को उसके हृदय की शुद्धता को देखकर बुलाता है। दाऊद का चुनाव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो बाइबल कॉलेज होके आया था। जब दाऊद को परमेश्वर चुनता है तो कहता है देखो मैंने एक बेटे को देखा है ईशे के, जो मेरे दिल के अनुसार है। आप चाहते हो परमेश्वर आपको बुलाए? कॉस्ट इज दैट कुछ भी हो, मैं अपने अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखूंगा। और याद रखिए, सेवकाई से पहले हर व्यक्ति परखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पास्टर नहीं परमेश्वर इस्तेमाल करे, आप में से हर एक ने पढ़ा होगा, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ तुम देखते हो उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसके नीचे लिखा है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया, अ मैन सेंट बाय गॉड, परमेश्वर की तरफ से भेजा। आप चाहते हो परमेश्वर आपको भेजे? आप चाहते हो कि परमेश्वर आप में से बहे? याद रखिए, ये आपके हार्ट की कंडीशन पर डिपेंड है बहुत हद तक। हजारों में एक केस ऐसा होता है जब बॉल जैसे विरोधियों को चुना जाता है कभी कभी, पर हमें दिखाने के लिए कि मैं कैसे लोगों को बदल सकता हूं। पर याद रखिए, तिमुथियुस में बहुत सी बातें लिखी हैं कि एक पास्टर, एक प्रचारक जो एक व्यक्ति प्रभु में सेवा करना चाहता है, उसका चरित्र कैसे होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप मिनिस्ट्री में नहीं हैं, आपके लिए सबसे बड़ी टेस्ट ये होगी कि आप अपने दिल को प्योर रखना सीखें। आप एक भाई हैं और अगर आप इस सिस्टर को देख रहे हैं जिसकी वेयरिंग डिसेंट नहीं है, जो कुछ रॉन्ग वेयरिंग कर रही है, और जब आप उसे देख रहे हो, आपको अपनी आंखें फेरने आना सीखना है। आपने शिमशोन को देखा, जब भी किसी चेहरे को देखता था उसके अंदर वासना भड़कती थी और वो उसे कंट्रोल नहीं करता था। कितने लोग हैं यहाँ पर, अगर आप किसी को देखते हैं और आप उस पर इम्प्रेस होते हैं, पर आपको पता है अपने 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 इमोशंस को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे गैप रखी जाए ताकि अशुद्धता ना हो। आजकल बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, वहां से पढ़ के आते हैं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, मेरे कलीसिया में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बाइबल कॉलेज को कंप्लीट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी आपके ज्ञान को देखकर आपको नहीं चुनेगा। मसीह के 12 चेले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक चीज उनमें ऐसी थी जो आज की जनरेशन में नहीं है, वो है समर्पण। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसके एक कहने पर उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ दिए थे। ये क्या है? समर्पण था। अरे उनमें से अधिकतर तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। आप पढ़ के देखिए, 4-13 प्रेरितों में लिखा है, और वे अनपढ़ थे, गवार नहीं थे वो। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनपढ़ एंड गवार। वो गवार नहीं थे, वो अनपढ़ थे। उठना बैठना जानते थे, उन्हें पता था थाली में हाथ नहीं धोया जाता, वॉश बेसिन में धोया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अनपढ़ थे। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आई। अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी है कि पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। आज मैं पत्रस पढ़ता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं, प्रभु ये क्या क्या लिख के गया है। पत्रस एक जगह पे कहता है, अंतिम दिनों में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे, कहेंगे अन्य भाषा मत बोलो। हर दिन नई नई हिपोक्रेसी आएगी। वो कहता है अंतिम दिनों में बहुत लोग नए नए पाखंडों का रोज उद्घाटन करेंगे, नई नई शिक्षाओं का। अन्य भाषा क्यों बोलते हो, विश्वासी को विश्वासी से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। कोई कहता है परमेश्वर की बीवी है, कोई कहता है क्या है, कोई कहता है क्या है। लास्ट डेज में बहुत सारे कल्ट्स आएंगे, ये पत्रस में लिखा है। आप इससे कितने लोग जानते हैं शाऊल दाऊद का कौन था? शाऊल राजा, दाऊद का कौन था? ससुर। जब भी से दाऊद ने गोलियत को मारा, आपने देखा वो उसका दुश्मन बन गया। 13 साल तक उसने उसको ढूंढा। कई बार तो परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया था, तो उसे खत्म कर सकता है, लेकिन दाऊद ने कभी उसके लिए कुछ नहीं कहा। इवन उसके मरने पर उसने शोक मनाया था। अगर हमारा दुश्मन मर जाए, हम कहते जो आपको परेशान करने वाला मर जाए, खाना खिलाएंगे हम लोगों को, अच्छा पार्टी, क्यों मर गया। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। ओ दाऊद ने तो विलाप गीत गाया, हे इज़राइल, हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाले, हे इज़राइल के शूरों, देखो तुम्हारी तेल तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी तलवारों को तेल घसने वाला बना। हे पहाड़ों नीचे हो जाओ, देखो इजराइल के शूरवीर नहीं रहे। उनके लिए विलाप गीत गाता है, एक ऐसे बंदे के लिए जो 13 साल उसके खून का प्यासा था। पर दाऊद ने अपने अंदर उसने कोई कचरा नहीं रखा था। हमारी क्रिश्चियनिटी बिल्कुल उलट है आज, 180 डिग्री। हमें लगता है ज्यादा ज्ञान होगा ज्यादा सेवा कर पाएंगे। ब्रदर याद रखिए, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों को ही तैयार करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों को ही तैयार कर सकता है। लेकिन जिनके हृदय शुद्ध है ना, वे चेले बनाते हैं, वे डिसाइपल्स बना पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं या करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप माफ नहीं कर रहे हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आपके बारे में कोई कुछ कहता है, आपको पता है अब मुझे क्या करना है, बड़े शांत रहें, डाइवर्ट हो। मैं आपके सामने कह सकता हूं, इस दुनिया में कोई नहीं है जिससे मैं नफरत करूं, जबकि लोगों ने बड़े फायदे उठाए हैं। बहुत लोगों ने फायदे उठाए, हर चीज पे फायदा उठाया, लेकिन मैंने कभी नफरत नहीं की। कभी लुटने दिया मैंने खुद को, ठीक है, कर तू जितना करता कर। कभी लोग ऐसे भी आए जो हमारे चर्च में आके बैठे, हमारे लोगों के साथ बात की और चर्च खोल दी और सबको ले गए। ले जा भाई, आपको क्या लगता है ये? आप बिलीव करेंगे, मेरे पिक्चर्स में ऐसे दिन देखे कि एक भाई मुझे जीत कर, मुझे मूर्ख बना के बहुतों को अपने साथ कर लिया, फिर निकल गया, मस्त चर्च बन गई। कर तो बेटा कर, ले और ले। जब आपने लड़ाई करना स्टार्ट की, आपने रिवेंज लेना स्टार्ट किया, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। परमेश्वर आपको हटाएगा नहीं मिनिस्ट्री से, डोंट वरी, आपका चर्च बना रहेगा। वो सिर्फ अपनी महिमा ले लेगा, वो आपसे अपनी उपस्थिति ले लेगा। इसलिए बाइबल बताती है, मन फिरा नहीं तो मैं आऊंगा और तेरे दीप स्तंभों को हटा दूंगा। चर्च को नहीं हटाऊंगा, जस्ट मैं अपनी उपस्थिति वहां से ले लूंगा। आप इसे कितने लोग ये बात जानते हैं, शाऊल का अभिषेक चला जाने के बाद भी वो राजा बना था। उसका अभिषेक चला गया, उसके बाद वो किंग था। आज भी आपको बहुत लोग मिलेंगे, बिग टाइटल्स नो अनॉइंटिंग, बड़े बड़े नाम, ऊपर अभिषेक कोई भी नहीं है। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, नो टाइटल विद अनॉइंटिंग। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका कोई टाइटल नहीं है, कोई उनको नाम नहीं दिया गया, लेकिन जब वो बात करते हैं, लोग चंगे होते हैं, लोग आशीषित होते हैं। The important thing is to be anointed by God. सबसे पहले आप इस जितने जवान यहाँ बैठे हैं, मेरे जवान भाइयों बहनों के प्रति बहुत प्योर रहिए, थोड़ा नहीं बहुत प्योर रही है। जब भी कोई आपसे बहन बात कर रही है, मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ योर आईज। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंखें कहां होनी चाहिए। जब भी आप बहनों से बात करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रयोग मत करिए कि उनके अंदर आपके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए। बहन आई, ब्रदर मुझे कुछ काम है। हाँ, अभी कर देता हूँ। आप कर देंगे? हाँ जी कर दूंगा। अरे याकूब सुधर थोड़ा। बहुत लोग हैं, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। किसी ने कहा, सो मेनी बैड थिंग स्टार्ट विद गुड इंटेंशंस। बहुत बुरी बातें भी अच्छी बातों में से पैदा हो जाती हैं। आपने देखा ना, याकूब ने कैसे अपने पिताजी को वर्ड्स चेंज करके बेवकूफ बनाया था। मेरी बहनों कहिए मुझे, भाई बहन को बुलाओ, जो बहनें बैठी हैं बोलिए मुझे, अपने पासवर्ड से ज्यादा अपने पति की रिस्पेक्ट करनी हमसे ना हो। पास्टर जी को पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, घर पे ए जी मतलब ए गधे, ओ जी ओ गधे, बेगम मुझे कोई गम नहीं, हस्बैंड मेरा हंसना बैंड है। एक घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती थी। एक दिन एक भाई ने पूछा, यार ये लोग हमेशा हंसते हैं, करते क्या है? वो दरवाजा खोल के अंदर चला गया। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर चप्पलें फेंक रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं, वो चप्पलें फेंक रहे हैं। तो उससे बोला, आप वो चप्पलें फेंक रहे हो, हंस भी रहे हो? बोलता है, हाँ मैं फेंकता हूँ, लगता है तो मैं हंसता हूँ, वो फेंकती है मुझे लगता है तो वो हंसती है। हालेलुया। आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सारा दिन हंसता रहता है। आपके पास बुलाहट होनी चाहिए, मात्र ज्ञान। आपको पता है, शायद आप में से कोई पास्टर होगा तो मेरे साथ एग्री हो जाएगा। आपको पता है हमको सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं? जो बहुत ज्ञानी, सबसे ज्यादा परेशान यही लोग करते हैं। आके बैठ जाएंगे, राजीव भाई प्रीच कर रहे, और जैसे राजीव भाई ने कहा, यूहन्ना 14:7 में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन ये हूं। ये लोग बाजू में 14:6 में लिखा है। अरे फरीसी थोड़ा सुधर। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको देखने के, इनको मीटिंग नहीं सुननी है, इनको आपकी गलती चाहिए। जानते हो ये लोग कौन है? ये ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है कि इनके ज्ञान ने अपने भाई बहनों से इनको प्रेम भी दूर कर दिया, अलग कर दिया। हम बात नहीं करते उससे, क्यों? वो तुम्हें धोता है इसलिए। हम इससे बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि तुम्हारी हिपोक्रेसी बाहर लेके आता है। मार्टिन लूथर ने जब अलग होके स्टार्ट किया उसने काम, दे कॉल्ड हिम रिफॉर्मेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब एक सिस्टम काम नहीं करता उसको उखाड़ो और दूसरा डालो, उसे रिफॉर्मर कहा गया। और उसने अपने ही चर्च को एक नाम दिया और वो नाम था प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करने वाले लोग, जो किसी भी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको सच बोलूं, मुझे गर्व है इस नाम पे कि आई एम अ प्रोटेस्टेंट। इसमें खराब क्या है? मैं नहीं कहता हूं कि दूसरे बुरे हैं, नो, हम सब एक ही बाप के बेटे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिए, ऐसा ना हो कि आप इतने ज्ञानी बनो कि आपको अपने ही चर्च के लोग समझ में ना आए। आप इससे कितने लोग जानते हैं लीगलिस्टिक राइटियसनेस क्या होती है? मुझे इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता। लीगलिस्टिक, जानते हो लीगलिस्टिक का मतलब क्या होता है? अगर ये बहन मुझसे सहमत है कि जो मैं कह रहा हूं तो ही मैं इनसे प्यार करूंगा, आप मुझसे सहमत नहीं हो, इसे कहते हैं लीगलिस्टिक राइट्स। कितने सारे लोग हैं, दे आर नॉट अ गॉडली पीपल, दे आर लीगलिस्टिक। घर घर के अंदर है ऐसे लोग। हमारे कलीसिया में एक परिवार आता है, बहन अलग चर्च में है, भाई अलग चर्च में है। कई बार उनका इस बात पे झगड़ा होता है, वो कहती है, पास्टर सूरज प्रेमानी कहता है प्रभु के पीछे चलो, वो कहता है नहीं मेरा पास्टर ये कहता है। इस बात को लेके वो लड़ते रहते। मतलब आपके साथ मैं सहमत हो जाऊं तो आप मुझसे प्यार करोगे, मतलब मैं आपके साथ सहमत। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने संबंधों में डिनोमिनेशंस को नहीं लेके आते? लोगों के ज्ञान ने लोगों को दूर कर दिया लोगों से। नहीं, मैं ऐसे बिलीव नहीं करता, अरे भाई ठीक है तू नहीं करता, मैं तुझे फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, बट तू प्यार क्यों नहीं कर रहा? कम से कम यार सही से बात तो कर। हाँ, कोई सिद्धांतों का प्रॉब्लम है, कोई ट्राइन गॉड पे बिलीव नहीं करता, कोई कहता है कि यहोवा इज एवरीथिंग, कोई कहता है जीसस इज एवरीथिंग। ठीक है, चलो हम इनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, लेकिन कई बार तो हम अपने कलीसिया के लोगों से भी ठीक से बर्ताव नहीं करते क्योंकि वो हमसे सहमत नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए पहले बुलाहट होनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका हृदय शुद्ध हो। अपने आप को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैं 15-20 मिनट इस मीटिंग को पूरा कर दूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जिनके थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ वीडियो भी बना दें। ये उनके लिए नहीं है, खुदा आपको देखेगा अब आप क्या करोगे। आप जानते हो यूसुफ में सबसे अच्छी बात क्या थी? जिसने उसे हर जगह पे बाहर निकाला, चाहे वो खड्डे में गया, चाहे वो जेल में गया, चाहे वो पोतीपर के घर में गया, जहां कहीं भी गया खुदा ने अपना पर्पस पूरा करके उसे बाहर निकाला। आपको पता है उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो विद्रोह करना नहीं जानता, वो खिलाफ जाना नहीं चाहता था। याद रखिएगा, यहां देखिए, अभिषेक परमेश्वर से बात करके आता है, अभिषेक बुराई करने से जाता है। अंडरस्टैंड दिस। आप प्रभु से बात करोगे, यू विल बी अनॉइंटेड। आप लोगों की बुराइयां करोगे, आप खाली होते जाओगे। ये बातें अभी नहीं, 2015 में सीखी थी। इस कारण परमेश्वर ने जो मुझे दिया मैंने उसे संभाल कर रखना जान लिया। अभिषेक पाना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना डिफिकल्ट है। आप भी जानते होंगे अगर आग के अंदर आपने और स्ट्रॉस नहीं डाली आग बुझ जाएगी। वो आग जलती रहे, उसमें प्रतिदिन कुछ डालना पड़ता है, फायर को फीड करना पड़ता है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा, आपको पता चलेगा इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया। शांत हो जाओ, अपने आप को हर जगह पे सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पास्टर इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, वाह फाइट, बोलने दो, बोलने दो उसको। जब यूसुफ ने परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की, जब जेल से लोग निकल रहे थे, उन्हें कहता है अरे भैया बाहर जाओ, तो राजा को बोलना मैं बड़ा इनोसेंट बंदा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको पता है जब वो बाहर निकले वहां लिखा नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है, खुदा ने उनके मन से बातें ही निकाल दी। नहीं, ये राइट टाइम नहीं है तेरे बाहर आने का। इसलिए वचनकार कहता है जब तक उसका समय नहीं आया खुदा का कलाम उसे कसौटी से कसता रहा। पहली चीज बुलाहट होनी चाहिए, दूसरी चीज विरोध मत करो। अब तीसरी आखिरी चीज, अगर आप मिनिस्ट्री में ऑलरेडी हो तो अब मैं आपके लिए कुछ बात करना चाहता हूं। सुनिए, आपके लिए मिनिस्ट्री कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मिनिस्ट्री आपके सर पे चढ़ गई आप खत्म हो जाएंगे। मैं आपको वो बता रहा हूं जिसे मैं जीता हूं। खुदा के फजल से, प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छी सेवकाई है मेरी भी। 3 ब्रांचेस हैं, उल्लासनगर में मदर ब्रांच है, मदर चर्च है मेरी, एक पुणे में ब्रांच है, एक बॉम्बे में ब्रांच है। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में दिल्ली में स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम किसी और जगहों पे भी जाएंगे, सेवा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैंने कभी अपने आप को सेवा के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। मैं हमेशा प्रभु के लौटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता रहता हूं, और वही मेरी सेवकाई है। दैट इज माय मिनिस्ट्री। जिस दिन आपने मिनिस्ट्री को एक प्रोफेशन बना दिया कि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रचारक हूं, ओ मुझे वचन देना है, आपके लिए चीजें है ना बर्डन हो जाएंगी। बाप रे, संडे आ रहा है, इतना स्ट्रेस, आज कुछ नया बताना है, आज आग लगानी है, आग। अरे तो खुद बुझा हुआ है, आग आग की बातें करता रहता है, क्यों इतना प्रेशर। एक दिन मैं एक वर्शिपर को मैंने बुलाया, चलो वर्शिपर भी यही बैठा होगा, गौतम भाई का प्रचार था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु भाई गौतम आ रहे हैं, ये हमारे बॉम्बे के चर्च में 2 से 3 बार आ चुके हैं, 2 या 3 बार आई थिंक आ चुके हैं ये हमारे चर्च में। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु भाई गौतम आ रहे हैं, आज मुझे कुछ दे। आपको पता है मैं इतना स्ट्रेस में था, आज कुछ नया प्रचार करना है, आज कुछ लोगों को नया देना है। आप याद रखना, अगर आप नया देने के पीछे में जाओगे ना, परेशान हो जाओगे। मैंने प्रभु से कहा, मुझे वचन दे। आज तक प्रभु ने मुझे कहा, क्या कहा, वही बातें बोलने में विलंब मत कर। मैंने कहा, मतलब क्या मैं इस्राएलियों को रोज अलग अलग खाना देता था? मैंने कहा नहीं, मैंने हर दिन एक ही खाना देता, मन्ना, सेम, लेकिन हर दिन फ्रेश था। मैंने कहा, प्रभु मतलब जो पहले बताया है फिर से बता। उस दिन बहुत लोगों ने नहीं सुना था, उनको सुना। ओके लॉर्ड, टेंशन फ्री। जानते हो परेशान कौन होते हैं? जो एक्चुअली प्रचार के पीछे इस आत्मा में चलते हैं कि मैं एक फायरी प्रीचर बना रहा हूं, मुझे सब लोग आग में जला हुआ देखते रहे, जलो आग में, हमें क्या। मैं कई बार सेम बातें बोलने से कभी नहीं शर्मा, भले लोग ऐसे करें, मेरा मन करता है उंगली डालूं। एक बहन ने मुझे आके चर्च में कहा, भैया आपने आखिरी रविवार को भी सेम बातें बताई, आज भी आप सेम बातें बता रहे हो। मैंने कहा, बहन जो आखिरी बार बोला उस पर चली, आप चले उस पर। लोगों को क्या है, उनको आज आप हो, कल उनको कहीं और अच्छी बात मिलेगी, चले जाएंगे। इन लोगों को सिर्फ नई बातें सुननी है, लेकिन ये नहीं देखना है जो सुना है उस पर चलते भी है कि नहीं। हमें प्रकाशन दो, रेवलेशन, ऐसी बातें करेंगे, हमें रेवलेशन दे। मैंने कहा, मैंने जेब पे पड़ा हुआ ले आओ, अरे परमेश्वर देना चाहिए। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहा, Our message is always same but always fresh. हमारा संदेश हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन हमेशा ताजा होना चाहिए। 40 साल तक आप देखो कितनी वैरायटीज है दुनिया में। बंगाल में जाओगे वहां पर खाना अलग है, उड़ीसा में जाओगे खाना अलग है, झारखंड में जाओगे खाना अलग है, सिलीगुड़ी में जाओगे खाना अलग है, एब्रॉड जाओ वहां पर खाना अलग है। इतनी वैरायटीज थी। इवन आदम के बगीचे में क्या सिर्फ वहां पर एप्पल होगा, कितने। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने इनको 40 साल तक एक ही खाना क्यों दिया? सेम फूड आप खा सकते हो 40 साल एक ही खाना। करो प्रार्थना आपके लिए ये प्रभु आपको 40 साल एक ही खाना दे। खुदा हमें समझाना चाह रहा था, बड़े सेम बातें हो, पर अभिषेक के साथ हो, फ्रेश हो। कभी भी टेंशन मत लीजिए, ओ ब्रदर मेरे को नई बातें बतानी है। भैया पुरानी बता दो, आशीषित होंगे। अगर आप एक मिनिस्टर हैं, आप सेवा करते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, मिनिस्ट्री में इतना मत घुसो। सारा दिन ओ प्रभु, पहला इतिहास, अरे यहोशापात के लिए लिखा है, सोमवार को ये यहाँ बता दूंगा, मंगलवार को कहाँ मीटिंग है वहां पर, हिजकिया के बारे में, मंगलवार को हिजकिया, बुधवार को 10 कोड़ी, गुरुवार को वो 12 साल वाली, सारा दिन मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। कुछ लोग इतनी सेवा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से व्यक्तिगत सुनना ही बंद कर दिया। प्रभु आपसे क्या कहता है पता नहीं, मिनिस्ट्री के लिए वर्ड है, सब कुछ दूसरों के लिए है। मुझे एक बात बताइए, मती में लिखा है उस दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने भविष्यवाणी की, मैंने बीमारों को चंगा किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें कहेंगे। और प्रभु ने उनको क्या कहा, मैं तुम्हें बोलिए नहीं जानता, बोलो बाजू वाले को नहीं जानता। ये अजीब बात नहीं है, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली वो स्वर्ग गया, जो निकाला है वो नीचे बैठा है। ये क्या है? प्रभु जिसमें से मैंने निकाली वो तेरे साथ, मैं निकालने वाला नीचे। मैंने हमेशा कहा है, मैं आज भी कहता हूं, सुनील जल्दी आइए, जल्दी आइए, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, आइए जल्दी आइए। नहीं, ये देखिए मैं एक पास्टर, ये बिलीवर, मैं ट्रेन में हूं और मुझे पता है ट्रेन स्वर्ग जा रही है, अब मुझे इसको भी लाना है। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसे खींचना चाहिए, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे, बाहर चले जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन से नीचे उतर के जा हम लोग ट्रेन से नीचे उतर के ट्रेन बन रहे हैं, भैया बैठ जाओ मैं भी उतार दूंगा। आशीषित लोग ब्रेस्ट हम उधर ही। इसलिए पॉल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करते करते मैं सवे निकम्मा ठहरो, अरे पहले खुद को चढ़ो, सबको चढ़ा रहे हैं। सेवकाई सर पे आके बैठ गई है लोगों की, सारा दिन सेवा सेवा सेवा। अरे सेवा हटाओ, तुम्हारे लिए सबसे पहले वो है जिसे तुम्हें सेवा दी है, सबसे पहले आपके लिए वो है जिसने आपको मिनिस्ट्री दी है। शैतान यीशु के सामने आके कहता है झुक जा मेरे सामने और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यीशु जानते हो क्या कहता है, नहीं, हम सबसे पहले अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। भाइयों बहनों, सेवा बाद में आई, पहले आराधना आई। आपके लिए सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपका संबंध होना चाहिए और वो तब होता है व्हेन यू मेंटेन योर प्रेयर लाइफ। अरे भैया भक्त थे आप, भक्त, आज आपको देख के लगता है सिर्फ परफॉर्मेंस रह चुकी है आपके, सिर्फ लोगों के सामने आने के लिए पॉलिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे पॉलिश करना है खुद को ताकि मैं अच्छे से दिखूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहाँ पर, बताइए सेवा करने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप दुआ करते। यीशु ने चेलों से कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, वो चले गए, वापस आके कहते हैं क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी न जा सके। इंग्लिश में लिखा है 1 hour। टेम्पटेशन से बचने के लिए 1 घंटा प्रार्थना कह रहा है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऊपर चढ़ने से पहले 1 घंटा दुआ करते हो? आप विश्वास कीजिए प्रभु मेरा गवाह है, मैं जब भी किसी से मिलता हूं ना, मैं आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकता हूं कि ये दुआ से आया है कि कहां से आया। क्या डेयरिंग है आजकल लोगों की, विदाउट प्रेयर सेवा करते। यही कारण है रात को तुम्हें बुरे सपने आते, यही कारण है कि तुम्हारे घर के अंदर बार बार बीमारियां घुसती हैं, क्योंकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही नहीं जानते। मुझे कल आना था यहाँ पर, जैसे सेवकाई होती है उसी दिन आना चाहिए, मैं 1 दिन पहले आता हूँ। क्यों आता हूँ पता है? ताकि मैं दुआ करके जानूं खुदा क्या दे रहा है। परमेश्वर के किसी भी काम को विदाउट प्रेयर मत करिए, आप खत्म हो जाएंगे। द मोर यू सर्व द मोर यू अटैक बाय द डेविल। मिनिस्ट्री कोई मजाक नहीं है। मैंने अपने लाइफ में अनुभव की है चीजों को कि छाती पर बैठकर कोई कभी कभी गला दबाता है। एक बार मैंने स्वप्न देखा, मैं एक समुंदर की पास में चल रहा हूँ, पत्थर ही पत्थर चल रहा हूँ। मैं ड्रीम देख रहा हूँ और मैंने देखा मैं ड्रीम में गिर गया और मैं ड्रीम में देख रहा हूँ कि मेरे घुटने में कुछ लग गया। मैं सुबह उठा, मेरा घुटना सूजा हुआ था, मैं चल नहीं पा रहा था। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? Don't serve me without prayer। पहले मुझसे बात किया कर। दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। आपको क्या लगता है आप प्रचार कर रहे हो? सर बाइबल में लिखा है बहुतों को आग में से झपट के निकालो। आप जब सेवकाई करते हो ना, आप विश्वास कीजिए सिर्फ प्रचार और आराधना नहीं है, आप आग में गए हो। मिनिस्ट्री को मजाक मत लो। आज की जनरेशन ये बात समझ ले, ये लाइक्स और ये जो वर्शिप टीम और हम जो प्रचार कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ यही मिनिस्ट्री है। यहाँ से आने से पहले हमें घर से बहुत प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। मैं आज तक विदाउट प्रेयर ऊपर नहीं चढ़ता। कभी कभार हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहता हूँ, दिमाग काम नहीं करता और मैं अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करके खुदा के साथ बात करता रहता हूँ। प्रभु मुझे माफ करना, मैं आपके साथ बैठ के बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपसे चलते चलते बात करता हूँ। लॉर्ड मैं आपका पूरा मैसेज जानता हूँ, आपसे मुझे क्या पेश करना है, बट स्टिल आई नीड योर अनॉइंटिंग। मुझे आपका अभिषेक चाहिए। प्रभु मैं दिमाग से बोल सकता हूँ लेकिन मैं अपने शब्दों में अभिषेक नहीं दे सकता, वो आप दे सकते हैं। आज पवित्र आत्मा की जगह जाते किसने ली है? क्लेवर माइंड्स, शाने लोग, सयाने लोग, जिन्हें बहुत अच्छी मेमोरी है, याद कर करके उन्हें पता है क्या बोलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो लोग प्रचार करते हैं, क्या पवित्र आत्मा आपके हर शब्द को अभिषेक देता है? अदरवाइज सर किसी का लाइफ चेंज नहीं होगा। लोग आएंगे, वो एंटरटेन होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो तालियां बजाएंगे, वो कमेंट करके जाएंगे, बट नोबडी विल चेंज। किसी ने कहा रेनहार्ड बॉन्के 80% नाइजीरिया को जीसस में लेके आया था। आपको पता है उनके क्रूसेड पे एक मीटिंग में कितने लोग आते थे? 1,30,00,000। जब वो नाइजीरिया जाते थे, वहां का प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया बंद करवा के सबको कहता था सबको छुट्टी है, रेनॉल्ड आ रहा है, सब वहां जमा हो जाए, और वो प्रचार करते थे। मैंने एक वाक्य सुना उनके मुंह से, आई नेवर टच स्टेज विदाउट प्रेयर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मैं 5 मिनट में इस संदेश को खत्म कर दूंगा। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? क्या आपने अपना प्रार्थना जीवन मेंटेन किया है? क्या आपको जब आप अकेले हो क्या आपने खुदा से बात करना सीखी है? और जब आप पब्लिकली हो तो क्या आपने उससे मन में प्रार्थना करना सीखी है? एक टाइम ऐसा आता है जब आपको परमेश्वर से मुंह खोल के बात करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको मुंह खोलने के लिए माहौल नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए हाउ टू स्पीक, यीशु से कैसे बात करनी। मैं आपको आज भी कहता हूं, मैं आपको हमेशा कहूंगा, मेंटेन योर प्रेयर लाइफ। मैंने कल कहा था कि मैं अपने स्ट्रगल्स के लिए थोड़ा बताऊंगा आपको, उससे 5 मिनट बताऊंगा। मैंने आज तक अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने में कभी स्ट्रगल नहीं किया, कभी भी नहीं। अंकल दिनकरन जहां भी जाते थे आप कहाँ पर भी चले जाओ और उनको बोलो अंकल दिनकरन इज कमिंग, 1000 लोग जमा हो जाते थे। क्यों आते थे पता है? क्योंकि सब जानते थे परमेश्वर उसके साथ है। Everybody knows ये बंदा आएगा, खुदा भी आएगा। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। अगर ये आएगा तो इसके साथ अभिषेक भी आएगा, अगर ये आएगा तो प्रभु की उपस्थिति भी आएगी, अगर ये आएगा तो खुदा भी आपके साथ आएगा। जब मैंने 2013 में उनके एक किताब में मैंने ये बात पढ़ी, मैंने कहा लॉर्ड आई वांट दिस। मुझे आज भी याद है, मैंने एक्साइटमेंट में इस किताब के पेज के ऊपर ऐसे कहा खुदा मुझे ये चाहिए। मुझे मैं कोई पब्लिक इकट्ठी करने के लिए बात नहीं कर रहा था, नहीं प्रभु मुझे चाहिए कि तू मेरे साथ रहे। फिर मैंने उसमें घुसना सीखा, उसमें अंदर जाना सीखा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी पब्लिक इकट्ठी करनी नहीं चाहिए। मैंने कभी अपने लाइफ में अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की। मैंने सिर्फ अपना स्ट्रगल खुदा के साथ बने रहने में किया। मैंने कमरे में जाके रोजे रखे। 2016 में मैं 170 दिन फास्टिंग में था। मैं आपको इंकरेज करने के लिए बताना चाहता हूं, इन 2016 आई फास्ट 170 डेज। मैंने हर प्रयास किया खुदा के करीब जाने के लिए। बहुत सारे टेम्पटेशंस आए, फैमिली प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे इश्यूज हुए। जब भी डिसीजन लेता कुछ ना कुछ हो जाता। घर पे लोगों की तबीयत खराब हो जाती, चर्च के लोगों के ड्रामे चालू हो जाते, पता नहीं क्या क्या। मैं प्रभु को कहता प्रभु यार मुझे तुझ में बढ़ना ही नहीं है। मैं जब भी तुझ में बढ़ने की कोशिश करता हूँ सारी रुकावटें आ जाती। एक दिन तो मुझे ऐसी मेरे अंदर ऐसी मेंटालिटी पैदा हो गई थी कोई समय में, जिसमें से निकलने में मुझे इतनी दिक्कत हुई। मुझे लगता था अगर प्रभु में बढ़ना है तो तुम्हें परेशान किया ही जाएगा। फिर मुझे खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे प्रभु ने नम्र होने के लिए बीमारी दी। मैंने आज तक किसी बीमार को नम्र होते नहीं देखा। एक बीमार से मैं मिला, उसको यहाँ पर ट्यूमर था। मैंने कहा ब्रदर मैं आपके लिए प्रेयर करूं? नहीं प्रेयर नहीं करूं, नहीं मुझे प्रभु ने दिया है ताकि मैं नम्र बनूं। मेरा मन किया मैं उसको मुंह पे मुक्का मार के प्रभु के सामने पश्चाताप करूं। प्रभु बीमार करेगा नम्र होने के लिए? फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा भैया इधर तो आइए, ये क्या है? ट्यूमर प्रभु ने क्यों दिया है? ताकि मैं हम्बल बनूं। तो मैंने बोला अगर ट्यूमर नम्र करेगा तो अनुग्रह क्या करेगा? ऊपर दिख रहा था। मुझे प्रभु ने बीमारी दी है ताकि मैं नम्र बनूं। मुझे एक बीमार बताओ जो बीमारी में नम्र बना। मुझे प्रभु ने गरीब रखा है, क्यों गरीब रखा? ताकि मैं नम्र बनूं। परमेश्वर को आपको नम्र बनाने के और कोई रास्ते नहीं है। वो बीमारियां गरीबियां भेजते रहे। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और कोई बुरी वस्तु वहां से नहीं आती। बाइबल बताती है हर उत्तम दान हर अच्छी वस्तु ऊपर से अर्थात स्वर्गीय पिता की ओर से है। परमेश्वर आपको बीमार करेगा ताकि आप नम्र बनो। ये ट्यूमर लेके घूम रहा था, ये मेरी मिरास है। अरे प्रभु दया कर, ये कौन लोग हैं? इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? अरे परमेश्वर को आपको बदलने के लिए अनुग्रह नहीं है कि वो आपके लिए सर्कमस्टेंस अरेंज करेगा। कैंसर है मुझे, आप प्रेयर करते हो उसका विरोध करते हो? नहीं क्यों नहीं करते? प्रभु ने मुझे नम्र होने के लिए दी है। पवित्र आत्मा नहीं आपको नम्र करने के लिए बीमारी दे दी। भैया पॉल भी तो यहाँ पर बीमार था, पढ़ के देखो क्या लिखा है। स्वर्गदूत नहीं शैतान का धूत मार रहा है। उल्टा वो अपने छुटकारे के लिए प्रेयर कर रहा था। कुछ लोग है ना इतने आत्मिक हैं मतलब इनको लगता है अगर हमने जोर से हालेलुया बोला तो अभिषेक चला जाएगा। You are very anointed. Some sisters, you will say hallelujah. Sister, say hallelujah. Hey sister, you are 8 hours praying and straight here came. Some people, they are very spiritual brother. Very, इतने आत्मिक हैं, बीमारी को भी एक्सेप्ट करके बैठ गए. हर चीज मुझे खुदा देता है. कल दुष्ट आत्मा आएगा, आपको बोलेगा हा 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 हा, अरे हाँ ये भी खुदा ने भेज दिया. मुझे पेट का दर्द होता है ना, मैं उसको भी कहता हूँ यहाँ से निकल यीशु के नाम में. यहाँ आत्मा आ गया नॉइंट्री में. तू कभी देखा है कोई ऐसे कोई पड़ा हुआ है अस्पताल में और आप उसे कहो कैसा है तू? आनंद स्वर्गीय जीवन दे, स्वर्ग में जाने के जरिए जा रहा हूं और तू यहाँ पर आया. उससे पूछ सके किसी बीमार को नम्र होकर देखा है? हर बीमार चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, चंगा हो जाऊं. कभी कभी मैंने देखा कोविड में लोग गालियां दे रहे थे लोगों को, अरे मैं कब ठीक हो जाऊंगा. कौन सी बीमारी है जो आपको नम्र करती है? पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो हर मनुष्य के छुटकारे का कारण है. एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से बदलता है. He will change by the grace of God. कभी बीमारी को एक्सेप्ट मत करो. यीशु जानता था कि हम बीमार पड़ेंगे, इसलिए उसे कोड़े खा लिए ताकि हम चंगे रहें. मेंटेन योर प्रेयर लाइफ. थोड़ा अपना सेवकाई से हटो. और जो लोग सेवकाई नहीं करते हैं, एक सिंपल मेंबर है, आपको एक रिक्वेस्ट करूं, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे. अभी ऐसे करो, अपने पास्टर को थोड़ा छोड़ दो थोड़ा उसको प्रभु के करीब जाने दो. पास्टर जी हाँ प्रार्थना तो करो. किस बात के लिए? दाल बना रही हूँ. देखो प्रभु कितनी अगुवाई करता है, कितना नमक डालू. दाल बनाने से पहले पास्टर को कॉल करो. पास्टर जी मेरे घर के अंदर हम नया नया फ्रिज लेके आए हैं, आप आएंगे प्रार्थना करने के लिए? आप मुझे बताइए वो कब खुदा के पास जाएगा? छोड़ दो थोड़ा उसको. हर जगह पे मास्टर जी मेरे को उठा के लेके चले. मेरे चर्च के लोग बार बार मुझे कॉल नहीं करते. मैंने कुछ लोगों को नियुक्त किया है. आपको प्रॉब्लम है, इनको कॉल करिए. अगर इनसे सॉल्व न हो मेरे पास आइए. ये मैंने मूसा से सीखा था. उसके ससुर ने उसको कहा, वो सारा दिन बैठ के लोगों का न्याय करता था. हाँ 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 हाँ. और उसके पिताजी ने उसको बोला, भैया तू जो कर रहा है ना, समय से पहले टीवी हो जाएगी तुझे. उठ. क्या करो अंकल? दूसरों को नियुक्त कर. जो प्रॉब्लम उनको सॉर्ट न हो, उनको वो तेरे पास लेकर आए. कभी कभी मैं आपको सच कहता हूँ, बुद्धिमान लोगों को हमने जिंदगी से निकाल दिया है, बेवकूफों के साथ बैठे हुए. फोन स्मार्ट, खुद बेवकूफ. मैंने बहुतों को देखा, उनकी संगतियां दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, उनके पास विस्टम ही नहीं है. मैं कितने अच्छे पास्टर को जानता हूं और मैंने उसके असिस्टेंट को देखा, उसका असिस्टेंट इतनी बचकारी हरकतें कर रहा था. मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी ये आपके साथ रहता है? बोलता है हाँ. मैंने कहा ये आपको प्रभु के बहुत करीब ले जाता होगा. बोला हाँ बहुत बचकाना है. मैंने कहा ब्रदर आपको बुद्धिमान लोगों के साथ रहना चाहिए, भले कम हो. उन दिनों में भी कम ही थे. कई अपने पास वाले से दोस्तियां नहीं निभानी है, खुदा का काम करना है. मार्केट जाएंगे, तू भी चलना. मुझे कुछ नहीं मिला और तू चल तो सही. हर जगह घंटी बांध के साथ साथ जाएंगे. दोस्तियां निभाना बंद कर दो. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. मैं किसी का दोस्त नहीं हूं. मुझे पता है आप में से कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे, समझने दो. Who cares? कोई परवाह नहीं है. मैं कोई दोस्ती नहीं निभाता. मैं जिन भी लोगों के साथ रहता हूं एक वजह से रहता हूं. They are kingdom minded. दोस्तियां बहुत निभा ली. अब दोस्ती निभानी भी है तो योनातान की तरह निभाओ। आपने देखा सेम अभिषेक को देखकर शाऊल दाऊद से जलता था, पर सेम अभिषेक को देखकर योनातान दाऊद के अधीन था। ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मिनिस्टर्स हर जगह साथ में लेके जाएंगे। वो देखा आपने इब्राहिम को, नहीं तू भी चल, तेरे बगैर मैं अधूरा, तो तेरे बिना हम कुछ नहीं, तू हमारे बिना कुछ नहीं, चल साथ साथ। पर परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, बुलाहट तो एक ही थी, ये कौन है? बुद्धिमान बने। आज बुद्धि न होने के कारण कलीसिया सफर कर रहे हैं। पहली चीज मैंने क्या सिखाई? बुलाहट होनी चाहिए। दूसरी, दर्शन होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको अब तक सेवा नहीं दी गई है। तीसरा, जो लोग सेवकाई में हैं, मेंटेन योर रिलेशनशिप विद गॉड। आपके लिए सेवकाई साइड में रखो। ब्रदर, आप बिलीव करो, वो आपका काम नहीं है, वो खुदा करता है। आप बस बने रहो, आप सिर्फ जुड़े रहो। आपके लिए, आपके पास सिर्फ स्टेज पे वचन नहीं होना चाहिए। जब लोग आपसे ऑफिस में मिलने आए, घर में मिलने आए, आपको रास्ते पे मिले, आपको वहां पर भी उनके लिए वचन होना चाहिए। यीशु जक्कई से मिला, उसने क्या कहा? आज तेरे घर में। पतरस से उसने बोला कि मैं तुझे मनुष्यों को। सामरी स्त्री से उसने कहा, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। हर एक व्यक्ति से जब यीशु मिलता था, उनके लिए यीशु के पास वचन होता था। That is ministry। हमें लगता है मिनिस्ट्री सिर्फ वहां पर, गलत फहमी है आपकी। मिनिस्ट्री एक्चुअली वहां पर हो सकती है 100%, लेकिन नीचे से शुरू होती है, नीचे से स्टार्ट होती है। वो और अगर आप एक पास्टर हैं, अपने बेटे को पास्टर मत बनाना, पहले उसे दरिया बिछाना सिखाना, उसे कुर्सियां साफ करना सिखाना। आजकल बहुत सारे लोग जो पास्टर हैं, उनके बच्चे भी पास्टर हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पास्टर का बेटा पास्टर। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने चर्च के बच्चों को दरिया बिछाना नहीं सिखाई है। अरे तू कारपेट बिछा, कुर्सी साफ कर, एयरपोर्ट से किसी को लेकर आ, छोड़ के आ, वॉशरूम धो के आ, झूठे बर्तन धो के आ। स्टार्टिंग से ही पास्टर बना दिया है। देखो कितने घमंडी है वो लोग। आज अपने बच्चों को पहले पास्टर नहीं, अपने बच्चों को सबसे पहले मनुष्यों का सेवक बनाएंगे। आप देखना, जो जीरो से स्टार्ट करता है ना, वो बड़े आशीषित लोग होते हैं। मेरा नेफ्यू मेरे साथ रहता है, साहब। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि तू पास्टर बनेगा। मैं उसे हमेशा चर्च के नीचे वाले काम करवाता हूँ, अगर वो आता है तो कभी कभी, क्योंकि वो पढ़ाई करता है बहुत। और जब भी वो आता है, मैं उसको बोलता हूँ नीचे से स्टार्ट कर। मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, उनको चाय पिलाता है, वो कॉफी लेके आता है, उनके लिए पानी लेके आता है, उनके झूठे बर्तन धोता है। मैंने उसके अंदर कभी नहीं डाला है कि तुझे एक दिन पास्टर बनना है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ, नो, बी ए सर्वेंट। प्रभु की मर्जी होगी, जो उसकी मर्जी होगी वो तुझे बनाएगा। अपनी सेवकाई को हमेशा मत बनाइए ब्रदर। अपनी मिनिस्ट्री को परमेश्वर मत बनाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एकदम तुम। कभी कभी तुम्हें लगेगा, यार आम विश्वासी कितना खुश था, मैं कहाँ आके पड़ गया मैं। गलती खुदा की नहीं है, आप अपने सिद्धांतों में ठीक नहीं हो पाए। अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओ, घंटों खुदा को दो, घंटों। सब करने के बाद चले जाओ अपने कमरे में, लगा दो कड़ी, बोल दो घर के अंदर, जब तक मैं बाहर ना हूं कोई अंदर नहीं आएगा। अपना फोन वगैरह सब बाहर छोड़ दो, अपनी बाइबल उठाओ और जाओ, उसे पुकारो, उपवास करो, उसके सामने अन्य भाषा बोलो, जो कर सकते हो करो, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में आने की। आप देखना, आप उसके अंदर घुसो। अब जब बाहर निकलोगे ना, वो आपके द्वारा दूसरों में जाएगा। भैया ये सारी बातें आपने कहाँ पढ़ी, कहाँ भी? मेरे साथ हुई, इसलिए मैं सिखाता हूं। ब्रदर आप कौन से बाइबल कॉलेज में गए हो? कॉलेज का सी भी नहीं पता है मुझे, मैं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूँ, लेकिन कोई जाना चाहता है मैं मना भी नहीं करता, मैं बोलता हूँ जाओ, आपको अच्छा लगता है जाओ। जो खुदा 2023 साल पहले चेलों को सिखाता था, वो खुदा आज हमें भी सेम सिखा सकता है। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो आने वाले दिनों में ये सारी बातें सुनने के बाद सेवा करना चाहते हैं प्रभु की? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आने वाले दिनों में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? इस इन टर्म्स पे अपने आप को शुद्ध रखना, बुलाहट का इंतजार करना और दुआओं में रहना। आप में से जितने भी लोग जिन्होंने हाथ उठाया है, यहाँ पर आके खड़े हो जाइए, मैं आपकी दुआ करूंगा।